वालेकुम। तो क्या हाल है भैया? तो अभी स्कूल आया हूँ मैं, तो आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी, माई लाइफ की बिग अचीवमेंट। तो वो शायद आपको पहले बताया था मैंने इसी ब्लॉग में ही, कि जो पेपर दिए थे मैंने एमए फिज़िकल के, उसका रिज़ल्ट आ गया मेरा एमए का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एमए क्लियर कर लिया है, मैं 16वीं पास हो गया। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की, बहुत खुशी है अभी मुझे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो अभी तो मैं स्कूल आया हूँ, तो स्कूल की रूटीन आपको पता ही है किस तरह से रहती है। ये हमारा स्कूल है, तो वो आपके साथ क्या शेयर करनी है, क्योंकि आपको पता ही है पहले आपके साथ उसी पे ही व्लॉग बनाता रहा हूँ। तो परसों हमारा रिज़ल्ट आया था, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई तब। अब थोड़ी सी कम हो गई, एक्साइटमेंट कम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी रिज़ल्ट आने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम मास्टर डिग्री होल्डर हैं, अभी हम थोड़ा सा मिच्योर हो गए हैं, मिच्योर डिग्री होल्डर। तो वो जो ऊपर फेंकने वाली कैप है यूनिवर्सिटी में जब डिग्री मिलती है, वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी हुई हमें। तो हमने वैसे ही बस सेलिब्रेट कर लिया, एक पार्टी भी कर ली हमने छोटी सी, एक लड़के को पार्टी डाली। उसके जो मार्क्स हैं वो हम सबसे थोड़े से, लेकिन उसे हमने जो है बातें वगैरह कर कर के उससे पार्टी खाई है कल। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, और बहुत बड़ा स्टेप है एक ज़िंदगी में। यही होता है कि यार जो मास्टर डिग्री वो लास्ट डिग्री होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम मास्टर डिग्री होल्डर हैं। आई एम टू मच हैप्पी टू अचीव दिस गोल। गोल तो और भी बहुत सारे रहते हैं ज़िंदगी में अचीव करने वाले, लेकिन ये जो बुनियादी गोल है, ये स्टडी वगैरह वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा गोल्स हैं लाइफ में, वो भी करने हैं। तो आपके साथ फिर शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे लाइफ हमारी चलती रही। तो अभी आपके साथ भी लाइफ जुड़ चुकी है, तो देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं हम, किस तरह से लाइफ चलती है हमारी। स्कूल में कोई आज काम नहीं था खास इतना, तो वैसे ही फ्री बैठा रहा धूप पर ही। तो अभी आ रहा हूँ मैं शहर, कोई खास रूटीन नहीं थी स्कूल की, तो अभी जा रहा हूँ मैं शहर। मौलवी मेरे साथ ही है, तो शहर में छोटा सा काम है, वापसी पर फिर स्कूल आना है। उसके तो रंग कर रहे थे प्रिंस लोग स्कूल में एक कमरे को, तो उन्हें कुछ चीज़ें देनी है, सामान देना है वापसी पर। तो वो आपको दिखाते हैं अगर दिखा सके तो, नहीं तो फिर एंड। ये मेरी ना ऐना की जो है टांग टूट गई थी, तो वो इधर से डलवानी है। तो वो इस दुकान पर जाना है, ये भाई कह रहा है उस दुकान से हो जाता है, वो भी उधर जाना है, फिर निकलते हैं। आया आया यार, ये ऐनक रिपेयर करवाने की इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये ऐनक मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि भाई ने मुझे गिफ्ट की थी, और वैसे मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा थी, और बहुत अच्छी ऐनक है, बहुत अच्छे क्लासेस हैं। तो इसलिए मैंने कहा यार अगर बन जाए, इसकी जो टांग है वो भी नहीं डलवा लेते हैं, तो नई क्लासेस भी तो लेने हैं, इसलिए यही अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है यार। लेकिन ये टूट गई है, तो अभी कोई दुकान नहीं मिल रही, उन्होंने कहा इधर से नहीं होगी, इधर दुकान का आगे पता कर लें, उधर दुकान होगी। तो पता करते हैं अब आगे जाकर क्या सूरत हाल है, क्या सीन है। अभी हम आए इधर सुनारे की दुकान पर, उधर तमाम पीछे क्लासेस वाली दुकानों से पता करा है, उन्होंने कहा हमसे नहीं बनेगी, तो आप ये टांका लगवा लें, ये तो ये सुनारा आपको लगा कर दे देगा। तो उधर अभी आया है यार ना, ऐनक तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गई है ना, कि टांग टूट गई थी बेचारी की। तो हमने कहा वो उसे अगर कांटा कुंटा लग जाए, जोड़ कांटा लग जाए, तो वही ठीक है। तो अभी आए हैं सुनार की दुकान पर, ऐनक वाले ने उसे ग्लास की दुकान पर गए थे, ऐनक वाले की दुकान पर, तो उन्होंने वो पेज निकाल कर दे दिया था। उन्होंने कहा आप सुनार की दुकान पर जाएँ, वो आपको टांका लगा कर दे देंगे, तो उससे जो है काम चल जाएगा। हमने कहा चलो चलवा लेते हैं यार, यूएसए की ऐनक है तो काम अगर हो गया तो। मेरे ख्याल से वो नहीं हो रहा अभी, वो बेकार ही जाएगी फिर। मौलवी साहब ने काफ़ी ट्राई की है, ऐनक हाथ में लिए फिर रहे हैं, बहुत कोशिश की है, लेकिन काम नहीं हो सका हमारा। तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म।
फिर उसको अभी दफना देते हैं ऐनक को, भूल जाते हैं फिर ऐनक को, भूलना पड़ेगा अभी तो, नहीं लेते हैं फिर, नहीं लेते हैं। यार हम शहर में इधर आए, हमें एक भाई मिला है यूट्यूबर, तो वो बहुत अच्छा काम करता है, पेंटिंग करता है, तो इधर पेंटिंग कर रहा है वो। मैंने कहा उसका हुनर आपको भी दिखाते हैं, ये दीवार पर उसने पेंटिंग की है, तस्वीरें वगैरह बना रहा है अपने हाथ से ही, तो ये भी बनाई है उन्होंने और आगे वो भी बनाई है, और वो पीछे बना रहा है एक और पेंटिंग। तो हमारे जो हैं हीरोज़, हमारे लेजेंड्स, उनकी पिक्स बना रहा है दीवार पर, गवर्नमेंट से कह रहा है, उसको ठेका मिला उसे, तो वो बना रहा दीवार पर, उससे मिलवाते हैं और उसका आपको फन भी दिखाते हैं। वो हाथ से पेंटिंग कर रहा है इधर दिखा रहा है, और यूट्यूब पर ही उसने अपलोड की उसका, अगर लिंक उसे पूछते हैं, अगर उसका लिंक मिल गया तो वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो उसका काम तय कीजिए आप। भाई ने फैसल मास्क बनाई है माशाल्लाह से, यार क्या हुनर है भाई का, क्या बात है यार। इधर ये उसने घंटाघर बनाया है फैसलाबाद का, जो मशहूर टावर है, मशहूर चौक घंटाघर। तो यार आप उसका फन देखिए, हुनर देखिए आप उसका, क्या बात है यार, कमाल कर दिया भाई ने। ये गवर्नमेंट की तरफ से उसके कुछ मिला है ठेका, तो वो बना रहा है। ये उसने बादशाही मास्क जो है वो बनाई है, सॉरी बादशाही मास्क नहीं, ये जो है लाहौर का किला है ना, शाही किला, उसकी पिक बनाई है उसने, पेंटिंग बनाई है। तो क्या बात है यार, कमाल कर दिया भाई ने, कमाल कर दिया यार। ये आगे चलते हैं जनाब, दिखाते हैं आपको, ये उसने मीनारे पाकिस्तान बनाया है, ये मीनारे पाकिस्तान अपने हाथों से बनाया है उसने ये, क्या बात है यार, क्या हुनर है इसका। वो भाई खड़ा है उधर, तो अभी उनसे मिलवाते हैं आपको भी, और उसका थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी करते हैं। ये सरकारी इदारों की दीवारें हैं, तो उनके बाहर ये पेंटिंग कर रहा है, तो क्या बात है यार, क्या हाल है। ये जनाब भाई जान है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या फन है जनाब, क्या महारत है। तो भाई जान आपका नंबर भी यार शो नहीं हो रहा यार, नंबर मैं दोबारा ले लूं। आप अपना थोड़ा तारफ करा दें, ये भाई जान है जनाब माशाल्लाह से, यूट्यूब अपना बता दें, वो वाला चैनल तो चैनल है यूट्यूब पे। हाँ जी, और ज़मान का ऑफिशियल के नाम से इंशाल्लाह तआला, उसमें आपको काफ़ी सारी जो है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भाई से लेकर डाल दूंगा, तो भाई के चैनल को विजिट करें और इनको सब्सक्राइब भी करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुनर भी है उनका, सिंगर भी है माशाल्लाह से, गाने भी गाते हैं, और ये भी फन इनका जो बहुत अच्छा माशाल्लाह से अपने हाथों से पेंटिंग कर रहे हैं, ये दीवार पर उन्होंने की है जनाब। तो मैंने सोचा कि आपको इनका काम शेयर करते हैं, ये जनाब बना रहे हैं अभी इधर। ये जनाब भाई बना रहे हैं अभी, कमाल की महारत है भाई की, अपने हाथों से ही पेंट करते हैं सारा कुछ। ये हमारे जो लेजेंड है, हमारे हीरोज हैं, उनकी पिक्स बना रहे हैं दीवारों पर। ये राशिद मीनार है ना, अच्छा, और अभी वो कुफैल और सरवर कुफैल शहीद, हाँ सही हो, ठीक हो गया। वो जो सामने वाली वॉल अभी बननी है ना, हाँ उनको करेंगे अपना कैदियों के बारे में, तुम्हें उधर भी बनानी है, ठीक है। और भी काफी सारे हमारे कौमी हीरो जो है ना, हाँ जी आपको हमारे तांदले की जो दीवारें हैं, हाँ जी कल्चर माशाल्लाह, हमारा कल्चर जो है ना, वो सारी पेंटिंग जो है ना 3D आपको इंशाल्लाह नजर है। क्या बात है, आपका यूट्यूब चैनल ये भी है ज़मान खान ऑफिशियल, नहीं ये वाली जो पिक्स है, ये वाला मैं कहता हूँ ये मुहारत भी आप डालें, बहुत अच्छा काम है यार। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना ये भी चीजें आपको, ये आपको मैं वैसे मैंने ये मशवरा देना था आपको, ये वाली जो चीज है ना आप बनाकर ये भी अगर देना अपना यूट्यूब चैनल पर, ये भी बहुत हिट हो सकती है। हाँ जी, तो आपको एक टिप दी है मैंने, तो बाकी ठीक होगा जनाब, भाई का बहुत अच्छा काम है। तो अभी भाई से थोड़ी सी गपशप करते हैं, भाई का नंबर लेना हमने भी, तो पर तो काम कंप्लीट हो चुका
भाई ने बना ली पेंटिंग, और ये वाली जो दीवार अभी रहती है इन दीवारों पर भी भाई ने बनानी है, पेंटिंग करनी है अभी। तो जब वो पेंटिंग मुकम्मल हो जाएगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी फिर हमने घर भी जाना है, तो भाई यहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने एक स्टूडेंट भी रखा हुआ है, उसको जो है वो सिखा रहे हैं खुशखती, तो मैं भी कुछ दिन सीखता रहा हूँ ये वाली। तो अभी फिर जाना है, ये तांदले वाले का चौक है, इधर साथ में पार्क भी है। तो अभी फिर हमने घर भी जाना है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट आया शहर तो ये सब आपको दिखाएंगे। इधर आए हैं बर्गर खाने, तो भाई जो है मुझसे शरद भी आ रहा था, तो वो उसने मुझे का बर्गर खिलाना अभी। तो इधर बर्गर बन रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह से बन रहे हैं। बर्गर के साथ साथ यहाँ पर कीमा भी अवेलेबल है, तो लोग यहाँ पर कीमे से ज़्यादा रोटी खाते हैं, तो यहाँ का कीमा बहुत मशहूर है। तो अभी भाई कीमा बना रहे हैं, कीमा। ये जो मौलाना साहब, उसे एक शरत आ रहा था, तो उसे अभी बर्गर खिलाने पड़ने हैं। तो वो इधर आए हम दुकान पर, बर्गर वाली शॉप पर। तो मौलाना साहब, हाँ जी रेडी हो, शरत खवा रहे हो ना? हैं, फिर ना खी, ठीक हो गया। तो मेरी शरत माफ़ करनी कि नहीं? चलो तो फिर तेरे को खानी। ये मेरे बेचारे ग्लासेस, ये यहाँ से तो बने नहीं, लेकिन एक भाई ने कहा फैसलाबाद से बन जाएंगे, तो मैं भी इनको बनवा कर दम लूँगा, चाहे फैसलाबाद से बनवाने पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं फिर घर को, इधर के सारे काम तो कंप्लीट हो गए हैं, इधर से फ्री हो गए हैं। तो ब्लॉग का भी यहाँ पर एंड करते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दुआओं में याद रखिए, अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।